नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के अड्डे 6 में, और रुख करते हैं एक नई वैकेंसी की तरफ। दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। ये वैकेंसी निकाली गई है कनिष्ठ अभियंताओं के लिए, यानी कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पद निकाले गए हैं करीब 1054 पोस्ट। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखी गई है, तो वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, ताकि अगर आप एलिजिबल होंगे तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, अन्यथा यहीं से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि अगर आप बीई बीटेक हैं, डिप्लोमा है किस भी सेक्टर में, तो सिविल में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप डिप्लोमा या फिर डिग्री धारक हैं किस में, तो इलेक्ट्रिकल, सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है, तब आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा, अन्यथा आप यहां से छोड़कर जा सकते हैं। ये वैकेंसी इन तीनों के लिए निकाली गई है। अब यहां पे जो वैकेंसी के पोस्ट हैं, कौन कौन से वेरियस पोस्ट हैं उसके बारे में बताऊंगा, कितनी पोस्ट हैं हर कैटेगरी में ये भी बताऊंगा, कितना फीस चार्ज लग रहा है इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए, एज लिमिट क्या है इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और साथ में सैलरी क्या मिलेगी इसकी जॉब के लिए रिगार्डिंग, और आपको कहां पे जाके इसकी नौकरी करनी होगी, इन सब के बारे में डिटेल देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इसके बारे में सारा डिटेल दिया गया है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पे जाएं, हमेशा ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। बिहार पुलिस ड्राइवर के कांस्टेबल वैकेंसीज को लेकर एक अपडेट दिया गया है, आप देख सकते हैं इस अपडेट को भी, और पंचायती राज डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं, ये रिटायर्ड पर्सन के लिए है, तो ये वो वीडियो जरूर उनको शेयर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बिहार के शिक्षकों के लिए जो यहाँ पे दिक्कतें को सामना करना पड़ रहा, उसके बारे में एक न्यूज़ अपडेट दिया गया है। तो इन सभी वीडियोस को देखे जाके लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों हम लेकर चलते हैं सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने दे दिया है आपको टेलीग्राम पे, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें सबसे पहले तो, एजुकेशन के अड्डे 6 का ये लिंक वहाँ पे आपको शेयर कर दिया गया है, ताकि आप वहाँ से जाके इसके डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। दोस्तों ये न्यूज़ वाले नोटिफिकेशन पे आपको आना होगा। देखिए मैं आपको एक काम करता हूँ, इसके होम पेज पे ले जाता हूँ आपको यहाँ से, ठीक है, ताकि देखिए राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का ये होम पेज है, और यहाँ पे देखिए यहाँ से आप होम पे आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इस थ्री डॉट पे क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है आपका न्यूज़ का और नोटिफिकेशन का, तो यहाँ से क्लिक करके आप न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं। सारी रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट वहाँ पे आपको दिया रहता है, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर आप सारा जितना भी वैकेंसी है इसका राजस्थान सिलेक्शन स्टाफ बोर्ड के लिए जो भी वैकेंसी निकलता है आपको यहां से सब कुछ दिख जाएगी। तो दोस्तों हम आपको फिर से ले चलते हैं इसके न्यूज़ एंड नोटिफिकेशंस पे, जहां से आपको सारा डिटेल अप टू डेट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देख सकते हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जिसका एडवर्टीजमेंट अभी दिया गया आपको यहाँ पे, आप इसका फुल शॉर्ट नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं और फुल नोटिफिकेशन भी आप लोग पढ़ सकते हैं क्लिक करके। वैसे ये दोनों ही पीडीएफ मैंने आपको डाउनलोड करके दे दिया है टेलीग्राम पे, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे इसके बारे में, इस न्यूज़ के बारे में अपडेट किया गया है दोस्तों, और ये रहा वो नोटिफिकेशन आपके लिए, देख सकते हैं 13 फरवरी का ये अपडेट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर की सीधी भर्ती है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला तो विभाग का नाम है, कौन कौन से विभाग में कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से दोस्तों। ये देख सकते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जल स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इन सब के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए जो कि डिग्री मांगा गया है, डिप्लोमा भी मांगा गया है साथ में, और यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता विद्युत के लिए और यहाँ पे डिप्लोमा दोनों ही मांगा गया है, तो यहाँ पे मैकेनिकल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो 254 पोस्ट हैं इसके लिए डिग्री धारकों के लिए, सिविल में 61 पोस्ट हैं दोस्तों सिविल में, डिप्लोमा के लिए 27 पोस्ट है डिग्री वालों के लिए जिसमें इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने किया है, और जो भी कैंडिडेट यहां पर डिप्लोमा कर रखा है 6 पदों के लिए वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र में भी आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से हैं, लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के कैटेगरी वाले स्टूडेंट को दिए जाएंगे इसका फायदा, इसका जो पोस्ट है यहाँ पे, कुल पद यहाँ पे टोटल बता दिए गए हैं दोस्तों कितने कितने पोस्ट हैं। जल संसाधन विभाग में भी यहाँ पे सिविल,
डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए और मैकेनिकल और डिप्लोमा इन मैकेनिकल के लिए यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। टोटल पोस्ट 149 है। जनरल कैटेगरी बात करें तो 307 है दोस्तों सिविल डिप्लोमा धारकों के लिए, और डिग्री धारक जो है मैकेनिकल के उनके लिए 2 पोस्ट है यहाँ पे, और कनिष्ठ अभियंता यानी कि डिप्लोमा कर रखा है जिन्होंने मैकेनिकल में उनको 4 पोस्ट है यहाँ पे। तो ये देखिए टोटल यहाँ पे पोस्ट दे दिए गए हैं। वही जल संसाधन अभियांत्रिक विभाग में भी यहाँ पे जीबी सिविल में और सिविल डिप्लोमा और सिविल डिग्री वालों के लिए अप्लाई करना है 66 और 69 पोस्ट के लिए। वहीं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लिए यहाँ पे तीनों के लिए सिविल डिग्री धारक डिप्लोमा धारक और विद्युत के लिए डिग्री धारक और डिप्लोमा धारक यहाँ पे कुल डिमांड किए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा सीट देखा जाए तो डिप्लोमा इन सिविल और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद डिग्री इन सिविल डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 1054 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्द आवेदन कीजिएगा, इसके लिए मैं आपको सारा डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो छात्र राजस्थान के बाहर से हैं और वो चाहते हैं आप ये आवेदन करना तो बिल्कुल कर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, ये राज्य सरकार के अधीन है और इसको बढ़ाया भी जा सकता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे आए तो। दोस्तों आपको बात करेंगे परीक्षा शुल्क की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो 450 रुपये आपसे चार्ज लिए जा रहे हैं जो भी कैंडिडेट यहाँ पे कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। जो कैटेगरी में आते हैं जैसे कि ओबीसी या ईबीसी में आते हैं उनको 350 है, और जो अनुसूचित जाति एससीएसटी में आते हैं उनको 250 रुपये चार्ज किए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कार्मिक विभाग पत्रिक क्रमांक संख्या 2 मई 2018 के अनुसार इसका ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 250 रुपये ही चार्ज लिया जाएगा, ये भी यहाँ पर बातें की गई हैं। आयु सीमा की बात करें यानी कि एज लिमिट की, तो 40 वर्ष तक रखा गया है, न्यूनतम 18 वर्ष बताया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार ये परीक्षा भर्ती जो है इसका आयोजन 3 विगत वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों के अधिनियम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दे दी गई है। तो ये अच्छी रणनीति है सरकार की, राजस्थान सरकार की, कि यहाँ पर अगर आपने आवेदन, क्योंकि ये वैकेंसी नहीं आई थी 3 साल से, तो 3 साल का आप लोगों को छूट भी मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 37 साल के हैं तो 3 साल उनको ऑलरेडी छूट मिलेगा, यानी कि 40 साल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों सैलरी की बात करते हैं, यहाँ पे सैलरी जो है आपकी 33,800 रुपये तक की सैलरी है, इसके लिए आवेदन करिएगा। तो लेवल 10 का ये जो सैलरी है दोस्तों आपको यहाँ पे पीए होगा देना, मतलब वहाँ यहाँ पे आपको इसकी सैलरी मिलेगी दोस्तों, ठीक है, 33,380 रुपये तक की। शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ये सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया है अभी। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री वालों के लिए भारत सरकार के किसी भी विश्वविद्यालय से आप लोग मान्यता प्राप्त इस कॉलेजों से आपका डिग्री होना चाहिए, और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो ये एक क्राइटेरिया आपको अलग करता है थोड़ा सा, जो कि अदर स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डिप्लोमा वाले के लिए भी ये देवनागरी लिपि का जानना जरूरी है। देवनागरी लिपि वैसे इंडिया में जितने भी हिंदी राष्ट्र हैं वहाँ सभी जगह लिखी पढ़ी जाती हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संस्कृत भी पढ़ाया जाता है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल डिग्री वाले के लिए भी सेम यही को जो है आपका एलिजिबिलिटी है, और कनिष्ठ अभियंता के लिए विद्युत वालों के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है, सबके लिए एलिजिबिलिटी सेम रखी गई है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आवेदन करने का जो अवधि है वो 4 मार्च से 2 अप्रैल तक रखा गया है, तो 4 मार्च से इस फॉर्म को भरा जाएगा, ठीक है। लिंक एक्टिवेट किया जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे इंटीमेट कर दूंगा, बता दूंगा। अंतिम तिथि से पहले 2 अप्रैल से पहले आपको इस फॉर्म को भर देना है रात के 12 बजे से पहले तक, ठीक है। तो आवेदकों को ये सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। और परीक्षा का जो माह यानी कि जो टेंटेटिव डेट है वो कब होगा, तो बोर्ड द्वारा डिग्री एवं डिप्लोमा की परीक्षा अलग अलग आयोजित करवाई जाती है, जिसके लिए परीक्षा बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी, और परीक्षा की तिथि समय एवं स्थान संबंध में सूचना है उसकी वेबसाइट पर भी पब्लिश कर दिया जाएगा आने वाले विगत सब समय में, ठीक है। अन्य बिंदु और सूचना पर थोड़ा सा भी प्रकाश डालता हूँ यहाँ पे, ये जो लिंक है इस लिंक के जरिए आप जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 4 मार्च से 2 अप्रैल तक आवेदन करने का तिथि रखा गया है, तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले आ चुका है आपको, 1 महीना पहले बताया जाता है ताकि आपकी तैयारी दमदार हो सके, आप लोग तैयारी में लगे रहें, और जब भी इस फॉर्म का फॉर्म आएगा तो आप इसके लिए आवेदन भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो पूरा डिटेल था ये अभी पब्लिश कर दिया गया था यहाँ पे
इसके वेबसाइट पे 13 फरवरी को ही, तो आप लोग देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने सारा डिटेल आपको यहां से दे दिया है दोस्तों। फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे डिटेल में पूछ सकते हैं, आपको जवाब यहां पे जरूर दिया जाएगा दोस्तों। ओके, तो आशा करते हैं कि कोई भी आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर पूछेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।